किसान यूनियन की ओर से एक ज्ञापन दिया गया, 4 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी को सौंपा गया। आइए आपको भी दिखाते हैं। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें भारतीय किसान यूनियन प्रधान के पदाधिकारियों की ओर से दिए जा रहे ज्ञापन की तस्वीरें हैं। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन प्रधान के पदाधिकारी जिला मुख्यालय पहुंचे और यहां उन्होंने पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने 4 सूत्रीय मांगें शामिल की थीं, जिसमें किसान हित की मांगें शामिल थीं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय किसान यूनियन प्रधान के पदाधिकारी यहां जिला मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं। भारतीय किसान यूनियन प्रधान के राष्ट्रीय संयोजक बलराम प्रधान के नेतृत्व में ही सभी पदाधिकारी यहां ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। किसान यूनियन से संबंधित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ये सभी भारतीय किसान यूनियन प्रधान के पदाधिकारी यहां ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे थे। ज्ञापन सौंपने के बाद इन्होंने क्या कुछ बताया है, यह जरा आप भी सुनिए। बलराम प्रधान, प्रधान जी, आज आप लोग ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं भारतीय किसान यूनियन की ओर से, क्या मांगे और किन मांगों को लेकर? भारतीय किसान यूनियन प्रधान की तरफ से ये मांग की जाती है कि किसानों को आलू का वाजिब मूल्य दिया जाए, गन्ना किसानों का भुगतान कराया जाए, वाजिब मूल्य दिया जाए और बिजली के जो लोगों पे मुकदमा लिखे गए हैं किसानों पे, वो मुकदमा वापस किए जाएं और उनके जो बिल हैं सरकारी बिल वो माफ़ किए जाएं। कितनी सूत्री मांगे हैं? 4 सूत्री मांगे हैं। किसे ज्ञापन दे रहे हैं? आदरणीय जिलाधिकारी के द्वारा प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी।